नमस्कार, आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। तो आज के क्रमांक में हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे प्रभावशाली मंत्रों के विषय में, जिनका नियमित रूप से आप जीवन में प्रयोग कर अपने जीवन के सभी कष्टों से छुटकारा पा सकते हैं। आज के इस आधुनिक युग में सबसे ज्यादा मनुष्य इसलिए परेशान है कि उसकी पूजा स्वीकार नहीं हो पाती है, अपने इष्ट को प्रसन्न करने में असमर्थता व्यक्त करते हैं और साथ साथ में जीवन में ऐसे ऐसे विकट कष्टों का अंबार लग जाता है जिसे जीवन में पार पाना बहुत बहुत कठिन हो जाता है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं श्री हनुमान जी से संबंधित ऐसे अद्भुत मंत्रों का जाप, जिनके चलते आप अपने जीवन में चाहे किस भी प्रकार की परेशानी आपके जीवन में चल रही हो, कर्ज से छुटकारा नहीं मिल पा रहा हो, जीवन में बड़े बड़े व्यवधान आपके सामने पहाड़ की तरह खड़े हो गए हों, उनसे पार पाने के लिए आपको आज इन अद्भुत मंत्रों के विषय में जानकारी प्रदान करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर और बात कर लेते हैं ऐसे ही अद्भुत मंत्रों के विषय में। देखिए, मंत्रों को सिद्ध करना सबसे प्रमुख कार्य होता है। इसके लिए बहुत बहुत अद्भुत मैं आपको प्रयोग बताने वाला हूं कि आपको इसके लिए मंगलवार के दिन बजरंग बली को सिंदूर, चंदन, अक्षत गुलाब, बेसन के लड्डू या श्रद्धा अनुसार प्रसाद चढ़ाएं। फिर मिट्टी के दीपक में तेल का दिया प्रज्वलित करें और पूर्व में मुख कर रुद्राक्ष की माला से कम आपको 108 बार बजरंग बली के प्रभावशाली मंत्रों का जाप करना है। और मंत्र क्या है वो अब आगे आपको क्रमांक में बताएंगे। अपनी मनोकामना अनुसार मंत्र जाप पूरे होने पर हवन करें। कहते हैं कि इस प्रकार से विधि करने से आपके सभी मंत्र सिद्ध हो जाते हैं और जब एक बार आपके मंत्र सिद्ध हो गए तो आप जब भी परेशानी में हो, कोई कष्ट चल रहा हो, तो इन मंत्रों का जाप कर लीजिएगा। क्षण भर में आपकी वो परेशानी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो आइए बात कर लेते हैं मंत्रों के विषय में। सबसे अद्भुत मंत्र मैं आपको बताता हूं, सबसे अद्भुत मंत्र है आपको ओम नमो भगवते आंजनेय महाबलाय स्वाहा। इस मंत्र का अगर आप नियमित रूप से जीवन में उपयोग करते हैं, इससे आपको क्या लाभ मिलते हैं। देखिए, लंबे वक्त से बीमारियों ने यदि आपको घेर रखा है तो मंगलवार के दिन इस मंत्र का नियमित रूप से पाठ करें। ऐसा माना जाता है कि इससे आपके जीवन में चल रहे असाध्य रोगों का नाश हो जाता है। जैसे बहुत से लोगों के जीवन में परेशानी होती है कि कोई असाध्य रोग से पीड़ित हो गए हैं, आपने बहुत प्रभाव किया, बहुत कुछ किया, लेकिन उस रोग से आपको छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे में आपको इस अद्भुत मंत्र का जाप करना है। विधि मैंने आपको बताई है कि अगर आप मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो कम से कम मंगलवार के दिन 108 बार मंत्र का जाप करिए। बहुत शीघ्र मंत्र सिद्ध हो जाएगा। तो आप जब भी परेशानी में होंगे, जिस भी प्रकार के कष्ट में होंगे, उस कष्ट से आपको तुरंत ही निवारण मिल जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले मंत्र की ओर, जो कि आपके लिए बहुत बहुत लाभकारी होने वाला है। अगला मंत्र है आपको ओम हन हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। इस मंत्र का जाप यदि आप नियमित रूप से करते हैं तो इससे आपको क्या लाभ होने वाला है कि ये जो मंत्र है ये हनुमान जी का रुद्र मंत्र है। शत्रु भय में हो, अनिद्रा की परेशानी हो, जन हानि के डर से छुटकारा पाना हो या जीवन में किसी भी प्रकार का भय आपको सता रहा हो, मान लीजिए आपसे अगर कोई ऐसे अनैतिक कार्य हो गए हैं जो कि आपने भूलवश भी कर दिए हों, इस मंत्र के जाप से आप जीवन में सभी प्रकार के भय से, जो आपको जीवन में बड़ी परेशानी में फंसने के डर से आपको बचाता है। इसके अलावा जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूं ये अपने आप में पूर्ण रूप से सिद्ध भी हैं, लेकिन फिर भी यदि आपको ऐसा लगता है कि आप इतने सामर्थ्यवान हैं कि आप इसको नियमित रूप से कर सकते हैं अभ्यास के तौर पर, तो आप मंगलवार के दिन 108 माला इन उक्त मंत्रों की जाप कर लेंगे तो ये बड़ी सरलता के साथ में सिद्ध हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए भी आपको एक बात का ध्यान रखना है कि केवल और केवल प्रयोग के माध्यम से ना करें, अंतर मन की गहराई से करेंगे तो आपको ईश्वर की प्रति तो लगाव बढ़ेगा ही। श्री हनुमान जी इतने दयालु हैं कि आपके हर कष्ट को स्वयं हर सकते हैं, लेकिन आप श्री हनुमान जी को प्रसन्न भी करना चाहते हैं, आध्यात्मिक रूप से भी काफी समय से जुड़े हुए हैं और आप चाहते हैं कि श्री हनुमान जी के श्री चरण कमलों में आपकी भक्ति समर्पित हो जाए, तो आप इस प्रकार की विधि का भी विधान कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले मंत्र की ओर। अगला मंत्र बहुत बहुत प्रभावशाली है। अगले मंत्र में आपको क्या करना है कि ओम हन हनुमते नमः।
ये मंत्र जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये श्री बजरंग बली का इतना चमत्कारिक मंत्र है कि वाणी से संबंधित कार्य में सफलता पाने के लिए इस मंत्र का नियमित रूप से जाप किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप न्यायालय आदि कार्यों में कार्यरत हैं, जैसे आप मान लीजिए अधिवक्ता हैं या न्यायालय के आदि जो भी कार्य होते हैं, जहां पर न्याय से संबंधित कार्य होते हैं, जैसे वाद विवाद, न्यायालय आदि के कामों में कोई आपको बाधा आ रही हो, जैसे आप इस कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं लेकिन आपके काम नहीं बन रहे हैं, मुख्य रूप से आप बहुत परेशान चल रहे हैं, आपको असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि इस स्थिति में क्या करना चाहिए, ऐसे में यदि आप ओम हन हनुमते नमः मंत्र का जाप करते हैं नियमित रूप से, तो आपको इस मंत्र के द्वारा जो भी आपके जीवन में परेशानी चल रही थी न्याय संबंधित कार्यों में, बहुत शीघ्र आपको इसके फल देखने को मिलेंगे। इस मंत्र को यदि मंगलवार आप विधि पूर्वक करते हैं, इनका जाप करते हैं, तो आप पाएंगे कि बहुत कम समय में आपको सफलता बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा एक मंत्र और मैं आपको बता देता हूँ। इस मंत्र के अंतर्गत क्या होता है कि अगर आप वैवाहिक जीवन में सुख शांति आपके अगर भंग हो गई है, संतान पर संकट का साया मंडरा रहा है, तो इस मंत्र से श्री हनुमान जी की आप पूजा कर सकते हैं। मंत्र है ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ये मंत्र इतना शक्तिशाली है कि आपके हर कष्ट को दूर करने में ये मंत्र पूर्ण रूप से सामर्थ्यवान है। इस मंत्र का जाप यदि नियमित रूप से आप मंगलवार के दिन कर लेते हैं या शनिवार के दिन भी कर लेते हैं, तो आपके हर कार्य सिद्ध करने के लिए बहुत परिपूर्ण ये उक्त मंत्र है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मंगलवार का दिन श्री हनुमान जी को पूर्ण रूप से समर्पित है। वैसे तो हर दिन ईश्वर का वार होता है, लेकिन मुख्यतः मंगलवार और शनिवार श्री हनुमान जी को पूर्ण रूप से समर्पित होता है, इसीलिए तो आपको इनके बड़े प्रभाव देखने को मिलेंगे। इसके अलावा श्री हनुमान जी के लिए मैं आपको एक चीज और बता दूं कि श्री हनुमान जी की अगर आप भक्ति करते हैं नियमित रूप से, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपके कार्य ही नहीं बन रहे होते हैं, घर में क्लेश की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, परिवार में प्रेम का अभाव हो जाता है, या जीवन में जिस भी कार्य को आप करते हैं उस कार्य में आपको असफलता ही मिलती है, ऐसा आपको लगता है कि शायद आपके जीवन में अब खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, तो ऐसे में आपके लिए मैं बता दूं कि बहुत बहुत अद्भुत एक चौपाई है श्री हनुमान चालीसा में, जो आप अपने जीवन में नियमित रूप से अगर उपयोग करते हैं तो ये चौपाई आपको जीवन में सफल व्यक्तित्व को प्राप्त कराती है। ये चौपाई है, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक का हू को डरना। ये चौपाई इतनी अद्भुत है कि अगर आप जीवन के किसी भी पड़ाव पर हैं, चाहे जीवन में आपने बहुत प्रयास किया लेकिन जीवन में असफलता ही असफलता मिल रही है, या किसी प्रकार का कष्ट आपके जीवन से जा ही नहीं रहा है, ऐसे में यदि इस चौपाई का नियमित रूप से आप यदि पाठ करते हैं, जाप करते हैं, तो आपके जीवन में चल रहे उस कष्ट पर बहुत ही प्रत्यक्ष रूप से श्री हनुमान जी प्रहार कर उस उक्त परेशानी को आपके जीवन से निकाल फेंकते हैं। इतनी सिद्ध है ये चौपाई। वैसे तो श्री हनुमान चालीसा अपने आप में ही एक पूर्ण ग्रंथ है, इसीलिए श्री हनुमान चालीसा का नियमित रूप से आप पाठ करें, सारी चौपाइयों का अगर आप पाठ करते हैं तो आपके जीवन से हर प्रकार के कष्ट को हरने की क्षमता श्री हनुमान चालीसा में विद्यमान है। तो यह था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं इस क्रमांक के माध्यम से अवश्य ही आप कुछ सीख पाए होंगे और इन अद्भुत मंत्रों का जाप कर आप जीवन में लाभान्वित होंगे। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना मैं करना चाहूंगा कि श्री हनुमान जी और श्री महाराज जी के आशीर्वाद अनुसार आप सभी को सद्बुद्धि और सन्मति की प्राप्ति हो और इस संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण लोक का कल्याण हो, इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।